अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो होगी लीनियर और रोड साइड प्लांटेशंस के बारे में, जो कि आपको बीएस फॉरेस्ट्री 2024 के स्टूडेंट उमामा अहमद कुरैशी बताएंगे। लीनियर प्लांटेशन का मतलब है रोड साइड कैनाल या रेलवेज के साथ प्लांट्स को एक लाइन में लगाना। ये आर्टिफिशियल प्लांटेशन की एक फॉर्म है जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एक शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक के तौर पर काम करता है, जो कि हर तरफ से आने वाली हवा की रफ्तार को कम करता है और इसके नुकसानात से खेतों, गाड़ियों और दूसरी अशिया बचाता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये रोड साइड पर ग्रीन कवर और शेड प्रोवाइड करता है, जिससे न सिर्फ आसपास का माहौल खुशगवार रहता है बल्कि रास्ते की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। रोड के सेंटर में लगाई गई लीनियर प्लांटेशन सामने से आने वाली गाड़ियों के तेज हेडलाइट्स को रोकती है, जिससे रात को ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलानी आसान हो जाती है। चूंकि रोड साइड, रेलवे साइड और कैनाल साइड की जमीन अक्सर औकात अनयूज्ड रहती है, इस वजह से अगर इन पर ट्रीज को लगाया जाए तो इनसे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कमा सकती है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इनका अहम रोल है, क्योंकि इसके जरिए हम लाखों एकड़ की जमीन को दरख्त लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि माहौल के तहफ्फुज़ में अहम किरदार अदा करता है। लीनियर प्लांटेशन को लगाते वक्त इन चंद बातों को अपने जहन में रखना चाहिए। पहला, जो पौधे हम लगाएं वो ऐसे होने चाहिए जो कि एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक कोलिजन्स और एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि शॉर्ट हाइट के ट्रीज लगाने चाहिए ताकि तूफान के वक्त वो दरख्त सड़क पे गिरकर कोई नुकसान ना करें। तीसरा ये कि हमें एवरग्रीन प्लांट्स को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, उन ट्री स्पीशीज को प्रेफर करना चाहिए जो कि लोकली अवेलेबल हों, और इन्वेसिव स्पीशीज या एग्जॉटिक स्पीशीज को बहुत कम लगाने चाहिए। इसके अलावा हार्डी और ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट स्पीशीज लीनियर प्लांटेशन के लिए आइडियल होती हैं।